आज हम लोग पढ़ेंगे जीभ के बारे में, टांग के बारे में, जीभ क्या होता है। ऐसे जीभ तो हम लोग देखे होंगे, जो जीभ नहीं देखा होगा अपना अपना जीभ निकाल कर देख लेगा, फालू चल जाएगा जीभ क्या होता है। और जीभ में जो होते हैं यहाँ पे अक्सर यहाँ पे फाइव पार्ट होते हैं, यानी पांच पार्ट होते भाग होते हैं हम, जैसे यहाँ पे फर्स्ट हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो यहाँ जो हम लोग कुछ कोई भी सामान खाते हैं, जैसे कि हम लोग रसगुल्ला वगैरह खाते हैं, तो ये हम लोग को मीठा लगता है। ये कहाँ लगता है? तो ये जो जीभ का फर्स्ट भाग होता है ना, यही एहसास लगता है कि हम लोग मीठा चीज खा रहे हैं। यानी जो फर्स्ट होता है, जो जीभ का जो फर्स्ट भाग होता है, वो एहसास लाता है कि हम लोग मीठा चीज खा रहे हैं। सेकंड यहाँ पे आएंगे तो साल्टी, साल्टी मतलब होता है नमकीन, या नमकीन कोई भी चीज हम लोग खाते हैं, नून वगैरह हो गया, ये सब हम लोग खाते हैं। तो ये क्या होता है, हम लोग कहते हैं नमकीन लगता है। तो ये एहसास कौन दिलाता है? तो जीभ का तो सेकंड भाग होता है, यानी ये वाला पार्ट। तो ये हम लोग को एहसास दिलाता है कि हम लोग क्या खा रहे हैं, हम लोग नमकीन कोई चीज खा रहे हैं। यानी जो सेकंड पार्ट है, ये नमकीन का एहसास दिलाता है। थर्ड यहाँ हम देखेंगे तो यहाँ पे खट्टा, यानी जैसे कि आम होता है, छोटा आम खाएंगे बिना पके हुए, तो हम क्या खट्टा लगता है। तो हम लोग को मालूम थोड़ा होता है कि ये आम खट्टा है, हम लोग उसको जब खाते हैं तभी ना मालूम चलता है कि वो खट्टा है या मीठा है। तो हमको एहसास कौन दिलाता है? ये थर्ड पार्ट, जो ये थर्ड पार्ट होता है, तो ये हम लोग को एहसास दिलाता है कि ये खट्टा है। यानी खाने के बाद यहाँ जब आता है इस जीभ के इस पार्ट में, तो हम लोग को एहसास दिलाता है कि हम लोग खट्टा चीज खा रहे हैं। फोर्थ में यहाँ पर बीटर, कड़वा। कड़वा मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग चूना वगैरह खाते हैं, यानी कोई बच्चा चूना खाता होगा, सुरती, तो जो लोग सुरती खाते हैं वो कैसा होता है? कड़वा होता है। तो वो कहाँ, ये जीभ के जो होता है सबसे लास्ट पार्ट में आके मालूम चलता है कि हम लोग कड़वा चीज खा रहे हैं, यानी बिटर चीज खा रहे हैं। नेक्स्ट जो ये होता है, ये पिंडिया होता है, पिंडिका होता है। तो ये क्या होता है? ये कोई चीज का एहसास नहीं दिलाता है। जैसे हम लोग पानी पीते हैं तो पानी का कोई एहसास होता है, उसमें लगता है खट्टा है कि मीठा है कि कड़वा है, कुछ नहीं होता है। तो इसलिए जो पिंडिका है, तो इसमें कोई चीज का एहसास नहीं दिलाता है। अब नेक्स्ट इसका बात किया जाए कि जीभ में कौन कौन सा कार्य है, यानी जीभ क्या क्या कार्य करता है हम लोग को। तो सबसे पहले कि ये लार को भोजन के साथ मिलाता है, ये जो हम लोग का लार है, ये लार को जो भोजन के साथ मिलाता है तभी जाके भोजन पचता है, या लार में एंजाइम होता है। नेक्स्ट इसका काम जो होता है यहाँ पे, भोजन को मुलायम करना। मुलायम मतलब क्या होता है कि भोजन जो होता है कड़वा होता है, यानी कड़ा होता है, तो उसको क्या करता है लार, उसको मुलायम कर देता है। मुलायम करने के बाद ही हम लोग उसके बाद हम लोग खाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है कि भोजन के निगलने में मदद करना, यानी भोजन जो हम निगलते हैं, यानी हम लोग जब खाते हैं, जब हम लोग के अंदर पेट में जाता है भोजन, तो उसमें कौन सहायता करता है? ये जीभ ही सहायता करता है ये भोजन को निगलने में। फोर्थ यहाँ पर कि भोजन का स्वाद, भोजन का स्वाद जो पता करता है, यानी स्वाद जो भोजन कैसा है, यानी खट्टा है कि मीठा है कि कड़वा है कि क्या है, जो यहाँ पे बताए हैं, तो इसका कौन सा बात लेता है? जीभ ही बताता है। फिफ्थ यहाँ पे है कि बोलने में मदद, यानी बोलने में हम लोग जब बोल कोई भी चीज बोलते हैं, तो बोलने में हम लोग को जीभ बहुत मदद करता है। अगर हम लोग को जीभ कोई जीभ पकड़ के कोई बात बोले तो नहीं बोल सकता है, क्योंकि बोले ही नहीं जाएगा, बोलेगा कुछ और बोला जाएगा कुछ और। इसलिए ये जीभ है जो हम लोग को बोलने में भी सहायता करता है। तो ये हो गया जीभ का पूरा फंडामेंटल जो